हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये सूट का कपड़ा अभी कुछ दिन पहले मैं ली थी और सिलवाने के लिए दी थी, तो 2 दिन में सिल के दे दिया था। वही मैं देख रही थी, अच्छा सिला है। और सूट का कपड़ा जो है उलन वाला कपड़ा है और ये सस्ता पड़ा था मुझे, तो मैं ली थी। और अभी एक्चुअली सीजन ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा सा और सस्ता पड़ गया था, तो ये जो है वो मुझे 200 मीटर पड़ा था, 200 रुपये मीटर पड़ा था ऐसे। तो यहाँ पे बाबू जो है वो खेल रहा है और मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चीले। तो गुड़ वाले चीले के लिए गुड़ में डाली हूँ, सौंफ डाली हूँ। और ये चीला ना बिना तेल का बना रही हूँ मैं, मतलब बिना तेल बिना घी का। आप चाहें तो इसके ऊपर तेल घी रिफाइंड जो भी डाल सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बिना तेल घी का खाना था, तो वही मैं बनाई हूँ। और इसे मैं कैसे बनाई हूँ वो मैं बता दे रही हूँ। पहले तेल लगा करके कढ़ाई नहीं, ये जो तवा है उसको बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, धुआं निकलेगा तब तक। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसे मतलब तब तक गर्म करेंगे दोबारा से, मतलब कि इसमें थोड़ा पानी का छींटा डालेंगे, उसको टिश्यू पेपर से पोंछेंगे। उसके बाद फिर बैटर जो है वो फैला देंगे और उसके बाद थोड़ा देर मीडियम फ्लेम पर ये इसको पकने देंगे। जब ये ऊपर से भी हल्का, मतलब इसका सारा पानी सूख जाएगा और ड्राई ड्राई ऊपर से भी हो जाएगा, तब इसको पलटेंगे और पलट देंगे। उसके बाद दोनों तरफ से पलटेंगे, पका लेंगे। और उस पर आपको अगर रिफाइंड घी लगाना है तो जो भी लगाना है लगा सकते हैं। उसके बाद जब दूसरा चीला डालेंगे तो पानी का छींटा मार करके टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे। और उसके बाद फिर जो बैटर है उसको हम लोग आराम से फैला देंगे। तो यहाँ देखिए, ये मेरा दूसरा चीला है और ये थोड़ा बड़ा मैं बना रही हूँ। इससे पहले वाला जो था वो थोड़ा छोटा था और चीला का कलर मतलब डार्क ब्राउन क्यों है तो ये मैं बता दे रही हूँ कि ये घर का गुड़ है और ये गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन पर है। मार्केट का गुड़ जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन रखता है, तो इसकी वजह से ये जो गुड़ का कलर है वो आपको ब्लैक दिख रहा है। बाकी गुड़ बहुत टेस्टी है और होममेड गुड़ है। ये जो गुड़ है ना, हमारे खेतों से बने गन्ने का गुड़ है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा चीला भी हमारा तैयार हो गया है, ऊपर से एकदम ड्राई हो गया है। और इसको पलट देंगे चारों तरफ से, पहले इसको निकाल लेंगे तो चारों तरफ से खूब अच्छे से निकल गया है। उसके बाद फिर अब देखिए, ये दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और चाहे तो घी डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल, आप जो भी खाते हैं, या बटर, वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। बट इस तरीके से मैं बना रही हूँ क्योंकि इस चीले को बिना घी बटर का ही बनाना था मुझे। तो जो लगा वो तवा में, मतलब कि तवा गर्म करने के से पहले थोड़ा सा जो एक चम्मच में डाली थी घी वही लगा। और उसके बाद फिर बिना घी कर भी जो डाइटिंग कर रहे हैं वो बना सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो मैं बनाई थी, चार चीले बनाई थी। एक चीला सबसे पहला, उसके बाद फिर दो, वैसे ही करके चार चीला बनाई थी। ज़्यादा मुझे बनाना नहीं था नाश्ता, मैं सबको कुछ चाहिए था तो समझ में नहीं आ रहा था। कार्तिक को बेसिकली क्या था कि कार्तिक को भूख लग रही थी, तो मैं सोची कि चलो गुड़ के ही चीले बना देती हूँ, कार्तिक को भी नुकसान नहीं करेगा और सब लोग खा भी लेंगे। तो ये जो है वो लास्ट वाला चीला हमारा तैयार हो गया। और ये देखिए, देखते ही देखते ऊपर से ड्राई हो गया है। जब ऊपर से ड्राई हो जाए तो ये बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो हमारे शाम का चाय और नाश्ता का प्रबंध हो गया। और यहाँ देखिए, बच्चे दोनों जो हैं वो बेड पे हैं और दोनों का स्वेटर ऑलमोस्ट एक ही जैसा लग रहा है, और छोटा वाला ज़्यादा बदमाशी करता है, तो बहुत बदमाशी कर रहा है ये। और इसे पता नहीं क्या, कार्तिक पर चढ़ने में खूब मजा आता है। उसके बाद शाम से सीधे मैं आ गई हूँ सुबह में। और सुबह के टाइम में मुझे घी बनाना था, जो कि कई दिनों से मैं सोच रही थी कि घी बनाना है, बट कोई ना कोई काम की वजह से बस पेंडिंग पे पड़ा रह गया था। और बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। तो
तो इसके लिए जो है सब्जी खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, और आलू जो है हमारा बॉईल किया हुआ है, तो सब्जी खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। और सब्जी आजकल जो है ना गोभी थोड़ा टेस्ट कम हो गया है गोभी में, तो इसमें जो रेगुलर के मसाले हैं वही मैं डाल दे रही हूँ। और मटर भी जो है ना वो हरे हरे मीठे मीठे वाले मटर नहीं आ रहे हैं, हरे तो आ रहे हैं लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता है मटर में, इसलिए खाने में मज़ा नहीं आता है। बट यही सब्जी है तो यही लाना पड़ेगा, बाकी अभी समर वाली सब्जी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। इस सब्जी में मैं ज़्यादा टमाटर नहीं डाली हूँ, मतलब एक या डेढ़ ऐसा करके मैं टमाटर डाली हूँ, या दो छोटे छोटे कह लीजिए कि वैसा टमाटर डाली हूँ। इधर दूसरे चूल्हे पे मैं चढ़ा दी हूँ घी, तो घी हमारा जो है वो बन रहा है। और जैसा जैसा घी बनता है ना वैसे वैसे जो कभी मक्खन है गाढ़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे घी ऊपर आने लगता है, और ये देखिए हमारा फाइनली घी जो है वो अलग होने लगा है। और इस स्टेज में ना घी को हमेशा चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि नीचे से एकदम जम जाएगा कढ़ाई में, और फिर साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हम लोग चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर, तो क्या होगा कि कढ़ाई में कुछ भी लगेगा नहीं और घी भी बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि ये जो वाइट वाइट है ना पार्ट, यही मतलब कि नीचे चिपक जाता है कढ़ाई में, तो इसकी वजह से। और घी जब बनता है तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, इतना बढ़िया लगता है खुशबू, इसका कीमत ही पूछिए। तो ये जो है वो हमारा 10-12 दिन का दूध का मलाई है, मलाई का मतलब कि घी है, जो कि हमारे पास एक वो सॉस पैन हुआ करता था जिसका कि हैंडल टूट गया था, तो उसमें अब कोई काम में नहीं यूज होता है, तो उसे इसी को मतलब रखने के लिए, मक्खन को रखने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो मलाई नहीं जमा करते हैं, मलाई का रोज मक्खन तैयार कर लेते हैं और जमा करते हैं, तो यहाँ घी हमारा बन गया है। और घी बनने से पहले कितना ज़्यादा फेन हुआ, उसके बाद फिर घी बंद कर दिए और अपने आप फिर घी जो है वो शांत हो गया। और ये इसको छान लेंगे तो इसमें आधा 1.5 लीटर का है घी का डब्बा, तो आधा मतलब कि ये भर गया है। और देखिए हमारी कढ़ाई भी एकदम साफ सुथरी है और घी भी बहुत अच्छा कलर आता है, इसमें कुछ भी मैं नहीं मिलाती हूँ लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।